आज की इस वीडियो में हम दिखने वाले इस टाइप का प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, जहाँ एक बोट हो, चलता हुआ पानी हो और उसमें बादल उदल कैसे मूव कराते हैं। इसके लिए सबसे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल लेना होगा जो कि मैं यहाँ शेप ऑप्शन से ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ठीक है, और अब मुझे वाटर का डिजाइन देना है। वाटर का डिजाइन देने के लिए वापस मैं शेप पर जाता हूँ और यहाँ से मैं ये ऑप्शन ले लेता हूँ। कहाँ गया, यहाँ से मैं ये वाला वाटर का वेव के लिए डिजाइन ले लेता हूँ। यहाँ से आप वेव का डिजाइन चेक कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ये जो आप देख रहे हो, ये जो येलो लाइन देख रहे हो, येलो डॉट, इसको अगर आप थोड़ा सा प्रेस करते हो तो ये वेव का डिजाइन थोड़ा और डीप हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। और क्या करना है, इसमें जो आउटलाइन, जो ब्लैक ब्लैक जो आउटलाइन जो दिया हुआ है, ये आउटलाइन हटा देना ताकि अच्छे से लगे कि वाटर का वेव है। तो डबल क्लिक करेंगे, आउटलाइन पर जाएंगे और यहाँ देखिए नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, ये वाटर वेव शो करना है, तो वाटर वेव शो करने के लिए मुझे लाइनिंग देना पड़ेगा। तो लाइनिंग देने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इंसर्ट पर जाना होगा, शेप ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ देखिए ये पेंसिल ड्रॉ करने के लिए दिया हुआ है, लाइन ड्रॉ करने के लिए। इस पर क्लिक करेंगे और पहले एक बार छोटा सा लाइन बना के देखते हैं। ठीक है, ये मैंने लाइन बनाया, इसका कलर कौन सा है, ब्लू। वाटर भी ब्लू और इसका भी कलर, लाइन का कलर भी अगर ब्लू होगा तो दिक्कत है, मर्ज हो जाएगा, इसलिए आप इसको आउटलाइन में जाकर इस कलर को ब्लैक कर दीजिए। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लिया, दो तीन जगह में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और बस उठा उठा के सबको ले जाकर रखूँगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया, वेव शो करना है, यहाँ से उठाया, फिर इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से आप वाटर वेव दिखा सकते हो। ठीक है, क्या करना पड़ेगा कि ये जितने भी जो बॉक्सेस है, ये जो वेव है, ये सारे को सिलेक्ट करके मुझे ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इन सब को सिलेक्ट करके मैं ग्रुप में कर रहा हूँ ताकि जब मैं मूव करूँ तो सारे एक साथ मूव हो। शिफ्ट बटन प्रेस करके आप सबको सिलेक्ट कीजिएगा और ग्रुप करने के लिए बटन प्रेस कीजिएगा कंट्रोल जी। जैसे आप कंट्रोल जी बटन प्रेस करते हैं, ये सारे एक ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, अभी इसको मूव करेंगे तो देखिए सब के सब एक साथ ही मूव होंगे। अब मुझे एक और इसका एक कॉपी बनाना है, तो कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और ये देखिए मैंने इसका एक और कॉपी बना लिया। ठीक, इसका मैंने एक और कॉपी बना के यहाँ रखा। ठीक है, और इसको भी मैं शिफ्ट बटन प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी बटन प्रेस करके दोनों को ग्रुप में कर लिया हूँ। इसलिए वापस एक रेक्टेंगल शेप लेता हूँ, वापस शेप पर जाता हूँ, एक रेक्टेंगल और यहाँ से मैं यहाँ तक इसको ड्रॉ कर देता हूँ। डबल क्लिक करके मैं यहाँ जाता हूँ शेप पर, स्काई कलर देखने के लिए। स्काई कलर लाइट होता है, इसलिए लाइट कलर कर देता हूँ। ठीक है, और इसको क्या करता हूँ, सेंड टू बैक, यहाँ सेंड टू बैक पर क्लिक करके सेंड टू बैक जैसे करूँगा तो यहाँ देखिएगा कि ये जो दिख रहा है ना, वाटर वेव ऊपर जाएगा, आकाश पीछे जाएगा। ये देखिए अब ये परफेक्ट हो गया, वाटर वेव ऊपर आ चुका है। सीधा सीधी गोल कर देता हूँ, शेप पर जाता हूँ और यहाँ से एक गोल शेप ले लेता हूँ।
शिफ्ट बटन प्रेस करके कीजिएगा तो एक परफेक्ट गोल बन जाएगा। डबल क्लिक करके आप इसको येलो कलर दे सकते हैं और आउटलाइन पर जाकर यहाँ नो आउटलाइन कर सकते हैं। तो ये प्रकार से मैं बन गया एक सन मून बन गया सॉरी सन बन गया एक परफेक्ट सन। ठीक है, इसका साइज छोटा कर देता हूँ। अब मुझे बादल का डिजाइन बनाना होगा तो चलते हैं इंसर्ट पर और यहाँ देखिए यहाँ शेप का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर जाते हैं। यहाँ देखिए आपको बादल का डिजाइन बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने एक छोटा सा बादल बनाया है, इसको डबल क्लिक करके इसका कलर मैं क्या करता हूँ वाइट कर देता हूँ और शेप आउटलाइन पर जाके नो आउटलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके दो तीन जगह मैं बादल बना लेता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, आप किसी का साइज छोटा कर सकते हैं, किसी का बड़ा कर सकते हैं, छोटा बड़ा इस प्रकार से लगा के कर सकते हैं। ठीक है, ताकि बादल दिखने में अच्छे लगे। अब इसके बाद आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके सारे बादल को आप क्या करो सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करो ताकि ये ग्रुप में आ जाए। ठीक है, अब फिर से कंट्रोल बटन प्रेस करके क्या करना है कंट्रोल बटन एक मिनट कंट्रोल बटन प्रेस करना है और एक और बादल का कॉपी बना के ठीक है रख लेना है और उसके बाद इन दोनों बादलों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी बटन प्रेस करके ग्रुप कर देना है ताकि जब मूवमेंट हो तो अच्छा से दिखे। अब हम देखेंगे नाव का डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो वापस चलते हैं हम अपने इंसर्ट टैब पर, शेप पर जाते हैं और यहाँ से मैं एक नाव का डिजाइन टाइप का कुछ शेप ले लेता हूँ। जैसे कि ये एक नाव का परफेक्ट डिजाइन का शेप बन सकता है। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैंने ड्रॉ किया तो इसको मैं नाव का डिजाइन के अनुसार सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सीधा कर लिया और इसको कलर कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये बड़ा हो गया और यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ ठीक है इतना दो। ठीक है, और मैं इसको कलर दे देता हूँ। यहाँ से आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ से ग्रेडियंट पर जाओगे, यहाँ से आप वुडन कलर सेलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ से आप वुडन कलर सेलेक्ट कर सकते हो और आउटलाइन पर जाकर आप ब्लैक कलर ले लेना ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ आप इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद आप एक जाहिर सी बात है कुछ पताका वगैरह लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाके फिर से एक रेक्टेंगल शेप लेंगे, एक यहाँ से डंडी बनाएंगे। ठीक है, डंडी का कलर आप कुछ भी दे सकते हो, फिलहाल मैं इसको ऑरेंज कलर दे देता हूँ, ऑरेंज नहीं तो ये वॉयलेट कलर। और पताका मैं इसी से कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऑरेंज कलर कर देता हूँ इस पताका को, सेफिंग में जाके थोड़ा सा डीप ऑरेंज। ठीक है, और आउटलाइन हटाना चाहता हूँ तो आउटलाइन हटा भी सकता हूँ। ठीक है, आउटलाइन रन देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा नाव तो बन चुका है। अब आपको इस नाव और ये पताका को दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप करना है कंट्रोल जी बटन प्रेस करके। अब ये देखिए दोनों ग्रुप में आ चुका है। अब इसको वेब पर रखेंगे। वेब पर रखने पर पता चलता है कि ये क्या हो गया कि वेब के ऊपर चला आया है, लेकिन इसको मुझे क्या करना है वेब को ऊपर रखना है। तो वेब पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक किया और यहाँ कर देता हूँ ब्रिंग फॉन्ट। तो इस प्रकार से आप क्या लग रहा है कि नाव वेब के ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब आगे आपको नाव का मूवमेंट दिखाना है। तो मूवमेंट दिखाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, नाव मेरा सिलेक्टेड है,
नाउ मैंने सेलेक्ट किया। अब जाएंगे मैं यहाँ एनिमेशन पर जाऊँगा, कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करूँगा और ऐड इफेक्ट में जाऊँगा, ऐड इफेक्ट में जाऊँगा। इसके बाद यहाँ पर ऐड इफेक्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्पिन, ठीक है। जैसे मैं स्पिन करता हूँ तो ये देखिए नाव क्या हो गया, गोल गोल घूमने लगा, क्योंकि मैं मुझे गोल गोल तो घुमाना नहीं है, तो इसलिए वापस मैं इसमें सेटिंग करता हूँ। यहाँ पर जाकर इफेक्ट ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ जो 360 क्लॉकवाइज दिखा रहा है, आप यहाँ कस्टम पर जाएंगे, यहाँ कर देते हैं 10 डिग्री, ठीक है, इंटर, 10 डिग्री हो गया। और यहाँ पर जाते हैं अंटिल एंड ऑफ द स्लाइड, ठीक है, स्टार्ट विद प्रीवियस, ओके, ठीक है। एक बार और देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, इफेक्ट ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ ऑटो रिवर्स कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब प्ले कीजिएगा तो मैं आऊँ आपको मूवमेंट इस प्रकार से होगा। आगे में हमें बनाना है वाटर का मूवमेंट। वाटर का मूवमेंट बनाने के लिए वाटर को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐड इफेक्ट में जाना होगा, यहाँ पर आपको मोशन पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, और चूंकि वाटर का मूवमेंट मुझे लेफ्ट की ओर करना है तो लेफ्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार आप वाटर का मूवमेंट दे सकते हैं। और इसको थोड़ा मैं इसको सिलेक्ट किया और इस पॉइंट को पकड़ के ज़्यादा लंबा खींच दिया, ठीक है। और इसको यहाँ पर जाकर आप रिपीट स्टार्ट विथ प्रीवियस करेंगे और इफेक्ट ऑप्शन में जाकर टाइमिंग पर जाएंगे और अंटिल एंड ऑफ द स्लाइड और यहाँ वेरी स्लो कर देंगे, ठीक है, ओके। अब आप अगर आप प्ले करके देखते हो तो इस प्रकार से मूवमेंट होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बादल का मूवमेंट करना है तो बादल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऐड इफेक्ट पर गया, ठीक है, फिर से वही मोशन पाथ, लेफ्ट की ओर मूव करना है, ठीक है। इस प्रकार से बादल का मूवमेंट होगा। और थोड़ा सा और मूवमेंट करना है तो इसको सिलेक्ट करके मैं और आगे क्यों खींच देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी ऐड स्टार्ट विद प्रीवियस और वापस यहाँ पर जाकर इसका स्पीड में क्या कर देता हूँ, इफेक्ट पर जाता हूँ, टाइमिंग पर जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया फ्रंट एंड ऑफ द स्लाइड, यहाँ सा मीडियम है तो मैं इसको 10% करके इसको बहुत स्लो कर देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार आप बादल का मूवमेंट भी बना सकते हो। जब आप इसको F5 बटन प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से आपका